हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, पलक नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं कब्बू अधिकारी स्वागत करती हूँ सभी लोग अपने चैनल कब्बू पहाड़ी ब्लॉग पर। सो गाइस, ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग टाइम से। आज है संडे और आज मेरे हस्बैंड भी अभी तक तो घर ही है, पता नहीं जाते नहीं जाते, आज ऑफिस अभी तक तो है ही घर ही। अभी नाश्ता भी नहीं कराया हमने, नाश्ता करा क्या नहीं है, मैंने अभी बनाया ही नहीं है नाश्ता। अभी मैंने कुछ नाश्ता नहीं बनाया, आज लेट हो रखी हूँ मैं, क्योंकि संडे था तो आराम से उठी। मैंने कहा आराम से उठती हूँ, कल से तो फिर जल्दी उठना पड़ेगा। कल से तो तीनों बच्चे स्कूल जाएंगे, अभी तक तो एक काव्य जा रही थी और कल से जाएंगे तीनों। तो सुबह से फिर वही डेली का जो होता है, डेली का करना होगा, उठो ये करो वो करो, फिर करना ही पड़ेगा। और मेरी सासू माँ अभी कहाँ है, यहीं है, वो भी ऊपर छत में गई है शायद मौसम का आनंद लेने। मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, बारिश हो रही, पूरी रात भर बारिश हो रही थी और अभी हल्की हल्की धूप आ रखी है, मौसम तो बहुत अच्छा हो रखा है। और मेरे हस्बैंड गए हैं दुकान, मैंने कहा उनसे वो ले आओ सेवई, तो सेवई बनाते हैं, बच्चे कह रहे सेवई बनाओ करके। सो गाइज, बच्चों के लिए सेवई बनाते हैं तो अपने लिए। सो गाइज, अपने लिए बनाएंगे रोटी सब्जी, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं खाते सेवई, अपने लिए रोटी सब्जी बनाएंगे। सब्जी तो बना ली, मैं रोटी रोटी बनानी है, आटा गूंदना है। और ये है मेरा बेटा, क्या कर रहे हो आप? ये तो नंगू बनी है, क्या खा रहे हो? लॉलीपॉप। खोल दूं इसका भी? खोलो, ढीला रखा है। आपने चश्मा क्यों पहना है अभी सुबह सुबह? नहा लो, जाओ आज नहा लो, कल से तो स्कूल जाना है। थप्पड़ में जाना, थप्पड़ खाएगा? हाँ। आपने कपड़े क्यों खोले हैं? मुझे वो गीला हो गया। गीला हो गया तो नहा लो, जाओ। आहा, क्यों दूध नहीं लाए? दूध मंगाया था मैंने, ले दूध भी ले आओ, एक ही लाओ। सो गाइस, मैं बना रही नाश्ते में बच्चों के लिए सेवई। आज संडे तो बच्चे कह रहे सेवई बनाओ, तो मैं बना रही सेवई बच्चों के लिए। ये दूध लाना भूल गए, मैंने बोला तो था दूध भी लाना, बट ये दूध लाना भूल गए, अब दोबारा जा रहे हैं। अब बनाते हैं नाश्ता। बेटा नहा लो, जाओ, फिर अम्मा भी नहा रही हैं। जाओ हाँ? जाओ तो काव्य, तो पहले नाश्ता बना लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों को। सो गाइज, नाश्ता पानी करके मैं तो बैठ चुकी हूँ और मैं खा रही हूँ लॉलीपॉप। नाश्ता कर लिया, बर्तन भी धो लिए और अभी और काम बाकी है, मुझे लग गई थकान, अभी थोड़ी देर रेस्ट कर रही हूँ मैं। बच्चे तो चले गए अपने चाची के यहाँ, अपने चाची के रूम पे चले गए, इसकी अम्मा भी चलेगी, सासू माँ भी अभी जा रहे हैं। आज है संडे, संडे को भी ऑफिस जा रहे हैं, तैयार हो गए हैं अपना। मैं खा रही हूँ बच्चों की लॉलीपॉप, आज तो रुक जाते हाँ? आटे दाल बनाओगे? जल्दी आना फिर। हाय बोलो, खुली है दुकान में, लाओ फिर पैसे दो दो। मैं जा रही दुकान में कपड़े धोने वाला साबुन लेने, अपना रुक गए हो, स्कूटी लेके मैं ले आती हूँ साबुन। सो गाइस, मैं ले आई इतने साबुन और ऐसी लाई, हाथ में ही लाई, अंकल जी की एक पॉलीथीन बचा के आए, इतने साबुन लाई कपड़े धोने वाले। अब धो लेती हूँ कपड़े, सभी लोग चले गए, अब मैं अकेले हूँ, बच्चे भी चले गए अपनी अम्मा के साथ चाची के रूम पे, चाची के रूम पे। और अब मैं धो लेती हूँ कपड़े फटाफट, फिर पोछा मारना है, उसके बाद तो काम हो ही जाता है, फिर लंच टाइम हो जाता है, क्या ही काम होता है, फिर उसके बाद खाना बनाना होगा मुझे। तो कपड़े धो लेते हैं, यहाँ का ये दरवाज़ा लॉक कर जाते हैं, फटाफट धोती हूँ कपड़े। उसके बाद मेरे हस्बैंड बोल के गए हैं, प्रॉमिस करके गए हैं कि आके मैं दाल बनाऊँगा आज, उबाल देना, छौंकूँगा मैं ही, वो अच्छी दाल बनाते हैं, मुझे उनकी बनाई हुई दाल अच्छी लगती है। तो पता नहीं क्या करते हैं, आते हैं टाइम से नहीं आते हैं। पहले मैं अपना काम फटाफट अपना काम निपटा लेती हूँ।
सो गाइस आज आ रखी है धूप और मैंने कपड़े धो लिए। आज मैंने बहुत सारे कपड़े धोए और मैंने गेहूँ भी सुखाने के लिए डाल दिए और थोड़े से चावल भी धूप में रख दिए क्योंकि चावलों में भी शिलन जैसी हो रही थी, मैंने वो भी डाल दिए बाहर। और फाइनली मेरा काम हो चुका कंप्लीट और मैं जा रही नीचे को रूम की तरफ। क्या कर रहे बेटा, क्या कर रहे हो? और मैं चढ़ा के गई हूँ दाल, चूल्हे में दाल चढ़ा रखी है मैंने। मेरी आशू क्या कर रही है, मेरी छोटी सी क्यूटी का ही कपड़े फोल्ड कर रही है। और वो दोनों भाई बहन तो आए नहीं अभी, वो वहीं है, ये आ गई वहाँ से, बोल रही है मेरा मन नहीं लग रहा वहाँ, ये आ चुके। और मैंने चढ़ा रखी है दाल, मेरे हस्बैंड कह रहे थे मैं आ जाऊँगा दाल फ्राई करूँगा, पता नहीं आते नहीं आते, दाल पकने का वेट करती हूँ। और आएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं ही छोक दूंगी। मैं भी दीक्षा की हेल्प करती हूँ। हाँ बेटा बताओ। हाँ बताओ। लैस टूट गई। ओके सिल दूंगी। इतने सारे कपड़े फोल्ड कर दिए बाबू, पापा के मैं करूँ? आपसे नहीं हो रहे हैं? ओके सो गाइज मैं भी दीक्षा की हेल्प करती हूँ। सो गाइज मैं तो खाना पीना खा के सो गई थी और जस्ट अभी उठी रही हूँ, उठ के अभी कुछ करानी है, अभी बिस्तर पे ही हूँ। खाना खाया, बच्चे भी आ गए थे और सासू माँ भी आ गए थे, खाना ना खाया हमने, खाना खा के सो गए थे, सभी लोग सोए हैं, बच्चे तो अभी सोए ही हैं, अभी मैं ही उठी हूँ, मेरे हस्बैंड भी सोए हैं। मेरे हस्बैंड ने दिया मुझे बहुत बड़ा धोखा, बोले थे दाल छोकूंगा बट आए नहीं टाइम से, खाना बना लिया था 3 बजे करीबन आए ये, फिर खाना ना खाया उसके बाद मैं सो गई थी। अभी जस्ट उठी रही हूँ, अभी बजे हैं शाम के 5 बज चुके हैं, 2 घंटे आराम से सो गई क्योंकि रात में अच्छे से नींद नहीं आई थी, अभी अच्छे से सो गई, अभी आ गई नींद। सो गाइज अब ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। सो गाइज आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और जो चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। बाय बाय।